बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना में प्रदूषण पर गरमाई सियासत, छठ पर्व मनाने को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में केजरीवाल के डुबके लगाने वाले वादे पर तंज कसा और जिसमें छठ पर आपने यमुना की नहीं कार्रवाई, यमुना की नहीं करवाई सफाई, ये दिल्ली बीजेपी ने कहा और ऐसे में जनता को भ्रम में डालना बंद करें केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी लगातार वार पलटवार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार जारी है और ऐसे में प्रदूषण पर सियासत लगातार गरमाई जा रही है। छठ पर्व मनाने को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, केजरीवाल के डुबकी लगाने वाले वादे पर तंज कसा है और ऐसे में कहा कि छठ पर आपने यमुना की सफाई नहीं करवाई है और जनता को भ्रम में डालना बंद करें केजरीवाल। दिल्ली में यमुना में प्रदूषण पर सियासत गरमाई है और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जहरीला झाग नजर आ रहा है और इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। छठ पर्व को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं अगर केजरीवाल के डुबकी लगाने वाले वादे पर भी दिल्ली बीजेपी ने तंज कसा है। छठ पर आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई नहीं करवाई, लगातार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और साथ में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई कराने के लिए केंद्र सरकार से बजट की मांग की थी, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया है, बरगलाने का काम किया है, यमुना की सफाई नहीं करवाई है और ऐसे में जनता को भ्रम में डालना केजरीवाल बंद करें, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुके हैं। रिया, यमुना में प्रदूषण पर लगातार सियासत गरमा रही है और अगर बात की जाए छठ पर्व को लेकर, अभी कुछ दिन बाद छठ पर्व का त्योहार है और इसी को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, तो ऐसे में दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। जी सोनिया, क्योंकि अभी दिवाली के बाद ये पहला छठ का त्योहार है और छठ का त्योहार बेहद ही ज्यादा आस्थापूर्ण माना जाता है क्योंकि ज्यादातर जो पूर्वांचल लोग हैं उनके साथ साथ में अब छठ के इस त्योहार को और छठ को लेकर जो भावनाएं हैं बहुत से लोगों में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में जितने भी घाट होते हैं वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन छठ का जो त्योहार है अब वो काफी नजदीक है, लेकिन त्योहार को लेकर कुछ खास विशेष इंतजामों को अब तक नहीं किया गया है, जिसके कारण जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहा है। क्योंकि दिल्ली बीजेपी के तमाम आरोपों में ये सीधा कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने एक समय ऐसा था जब दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि 2025 में यमुना इस तरीके से साफ होगी कि उसमें जाकर वो खुद ही डुबकी लगाएंगे, लेकिन उनका ये वादा भी झूठा निकला, ये वादा भी जुमले के तौर पर ही नजर आ रहा है। इस तरीके का आरोप बीजेपी के माध्यम से लगाया जा रहा है और उनका ये कहना है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को इस प्रकार के भ्रम में रखेंगे, क्योंकि छठ घाट जो ये बात सिर्फ यमुना के प्रदूषण को खत्म करने की ही नहीं है बल्कि ये सभी जो लोग हैं जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन फिर भी भावनाओं को भी आहत पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर एक आरोप ये भी है कि यमुना ट्रिबल को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बहुत ज्यादा जो धनराशि है वो आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका सही प्रयोग भी नहीं किया गया और यही वजह है इसके अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज भी जो यमुना है वो पूरी तरीके से प्रदूषित है और उस पर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि अनेक कारणों को कहीं ना कहीं पर जुमले के तौर पर पेश करके आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यमुना दूषित हो रही है। उनका ये कहना है
कि दूसरे राज्य से आने वाला जो पानी है जो छोड़ा जाता है उसमें पहले से ही बेहद ज्यादा जो दूषक कण होते हैं वो यमुना में आकर घुल रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में ज्यादातर जो उफान है वो यमुना में देखने को मिल रहा है और बाकी जो फैक्ट्रियों का सैलाब है वो उसमें जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि जितने भी सड़कें हैं, नाले हैं, सीवर हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक हैं और वो कहीं ना कहीं पर बीच में टूट जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो गंदा पानी है वो यमुना में जा रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली की सड़कों को भी, सीवर को भी अरविंद केजरीवाल ठीक नहीं करवा पाए और आस्था का बहुत बड़ा विषय माने जाने वाली यमुना आज प्रदूषित है। ठीक है रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और यमुना में जमकर जो राजनीतिक दल है वो जमकर इस मुद्दे को भुना रहे हैं। और अगर ऐसे में बात की जाए तो अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये जो प्रदूषण का मुद्दा है ये लगातार गरमाया हुआ है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है और केजरीवाल के डुबकी लगाने वाले वादे पर भी तंज कसा गया है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की ओर से बात करें तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से जवाबदेही अपनी जरूर पेश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी भले ही इन सभी आरोपों के साथ में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी की भी जो जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने पिछले सालों में या फिर जब उनका शासनकाल दिल्ली में था उस टाइम पर नहीं किया। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता बीजेपी को दिल्ली में मौका नहीं देती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जनता को जितनी सुविधाएं दी हैं और उनके लिए जितना कार्य किया है ऐसी कोई भी सरकार अब तक नहीं आई है। और इसलिए बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले, इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में जो जीत है उसका जश्न मनाती नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है, उस पर कार्य नहीं करती है। किसी भी विषय पर बात हो तो एलजी मुकर जाते हैं, किसी भी विषय पर बात हो तो दिल्ली के जो तमाम इनके सांसद हैं वो भी किसी प्रकार की जवाबदेही पेश नहीं करते। और यहाँ तक कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अंडर में आती है उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक लचरती व्यवस्था को दिखाती है, और यही कारण है कि दिल्ली की जनता को समझ आता है कि आखिर कौन सी जो सरकार है वो दिल्ली की जनता का भला सोचती है। तो कहीं ना कहीं पर सोनिया आप ये कह सकती हैं कि इस समय बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर जो दोनों ही सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी के बीच में इस समय बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहा है। लेकिन सबका यही कहना है कि उनकी जनता की जो पसंद है वो कहीं ना कहीं पर बने हुए हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अब विधानसभा के जो चुनाव होंगे उन पर ही निर्भर करता है कि आखिर जनता ने अब तक क्या सोचा है और वे किस पर अपना विश्वास जता रही है। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।